ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी शकुंतला बहन, हा हा हा, ओम शांति भवन न्यू पलासिया में रहती हूँ, हा 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 हा। और हम लोग स्पिरिचुअल नॉलेज मेडिटेशन सिखाते हैं, हा हा हा। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी थी, वैसे मैं वॉक के लिए रोज आती हूँ, पर कभी गार्डन की तरफ और कभी इधर मनपसंद पार्क की तरफ। तो जब भी मैं गार्डन के अंदर आती थी तो यहाँ पे योगा चलता रहता था, तो मैंने ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन उनकी हंसी से हंसती जरूर थी मन ही मन में, और अच्छा लगता था। तो मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं इसको ज्वाइन करके देखूँ कि ये क्या चीज़ है। हम लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे खुल के लोगों के बीच में ऐसे हंसते नहीं हैं। लेकिन इस बार मैंने अपनी शर्म छोड़ कर भाई साहब के निमंत्रण पर इसको ज्वाइन किया और सीखा, और मेरे अंदर जो जिज्ञासा थी इस चीज़ को जानने की कि ये क्या नॉलेज है और इसको कैसे हम अपनी लाइफ में मतलब शामिल कर सकते हैं, अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। हंसना मुझे बचपन से अच्छा लगता है और मैं खुल के हंसती हूँ, पर ऐसे किसी को हंसाती नहीं थी जैसे कि यहाँ मैंने देखा कि बड़े फ्री मूड से सबको हंसाते हैं और एक स्वाभाविक रूप से जीवन में शामिल करते हैं। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और हमारे पास में एक हॉस्टल है जहाँ 150 बच्चियाँ रहती हैं पूरे भारतवर्ष की, हमारे पास मेडिटेशन सीखने के लिए आती हैं। एक बहुत बड़ा सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मास हमसे जुड़ा हुआ है, हज़ारों लोग हमारे पास आते हैं सुबह से शाम तक मेडिटेशन सीखने के लिए ओम शांति भवन में। तो बहुत स्कोप है कि हम ऐसे खैर गार्डन में जाके तो नहीं करा सकते, ये प्रैक्टिकल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे सेंटर्स पे जहाँ मेडिटेशन चलता है तो उस मेडिटेशन में हम इस चीज़ को ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज़ को रोज़ अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करें और इसका जो बेनिफिट मेडिटेशन के साथ उनके को मिल सकता है वो ज़रूर मिलेगा हमारे द्वारा। आपने हमें ये सेशन कराया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। हमारा सौभाग्य है।